बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। रानी तेरो चिर जीवो गोपाल। जन्माष्टमी के अवसर पर हम यहाँ वृंदावन में विश्व प्रसिद्ध कृष्ण कन्हाई आर्ट गैलरी में मौजूद है, जहाँ पीढ़ियों से भगवान कृष्ण के छवियों को उकेरा जाता है। और ये भाव कैसे आते हैं, कैनवस पर श्री कृष्ण कैसे अवतरित होते हैं, इस बारे में हम कृष्ण कन्हाई जी से बात करेंगे। यहाँ बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि व्योम में श्री कृष्ण के चरण कमल उभरे हैं, और जिधर नजर जाती है अलग अलग छवियों में, अलग अलग मुद्रा में, अलग अलग भाव में कृष्ण दिखाई पड़ते हैं। जिधर भी नजर दौड़ाइए, अब ये बांके बिहारी जी की लगभग 75 साल पुरानी ये तस्वीर है, जो इन्होंने कैनवस पर, इनके पिताजी कन्हाई जी ने, कन्हाई चित्रकार जी ने उतारी थी। और हम बात भी करते चलते हैं और आपको कान्हा की अलग अलग छवियां भी दिखाए चलते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कृष्ण कन्हाई की अलग अलग छवियों के बारे में, कृष्ण कन्हाई जी से बात की। ये मेरा सौभाग्य है कि मेरा जन्म वृंदावन में, मेरा नाम कृष्ण और मेरा काम भी कृष्ण का, और आज भगवान कृष्ण की साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर का जन्म दिवस है। इससे बढ़िया और इससे अच्छा दिन भी नहीं हो सकता इसके लिए। और ये पेंटिंग बनाने का मुझे मौका मिला, हम लोगों ने करीब 4,000 से 5,000 पेंटिंग बनाई है भगवान। अरे बाप रे, इतना बड़ा इतिहास रचा गया है पिछले करीब 70-80 सालों में, जो शायद ही किसी कलाकार के भाग में ऐसा लिखा होगा। मुझे ऐसा लगता है कि जितने साल भगवान कृष्ण के जन्म को होने का इतिहासकार बताते हैं, ऐसे तो वो अजन्मा है, और मतलब कब जन्म हुआ किसी को पता नहीं, लेकिन इतिहासकार जो कहते हैं 5,252 साल पहले ऐसा कुछ है। तो उसमें अब अलग अलग ये भाव, ये कैसे कैनवस पे उतरते हैं? ये देखिए, मेरा मानना ये है कि बहुत मेहनत करके आप बारीक काम तो कर सकते हो, लेकिन भाव नहीं ला सकते। ये भाव अगर आते हैं तो ईश्वर बिहारी जी की कृपा से आते हैं, इनकी कृपा से आते हैं। मतलब समर्पण का भाव हो तभी भाव तभी आते हैं, क्योंकि कुछ चीज ऐसी होती है ना जो बनाने से नहीं बनती, वो ईश्वर कृपा से समर्पण भाव से ही बनती है। अब ये पेंटिंग देखिए आप, कितनी सुंदर पेंटिंग है। हाँ, और मयूर के साथ में प्योर सोने का काम किया गया है, तो इसका कॉम्बिनेशन जो है स्वर्ण का काम है इसमें, प्योर शुद्ध और विलू रंग के साथ में किया गया है, तो बहुत ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन है। अब ये आप देखें, आप खुद फैसला करें कि कान्हा के चेहरे पर किसी गोपी को छेड़ने का भाव है, एक नटखट बना आंखों में खेलता है, और जहां भी निगाह डालें ऐसा लगता है बिल्कुल नाप, एक एक सूत नाप कर शरीर सौष्ठव बनाया गया है। और यहाँ कान्हा बिल्कुल खोए हुए हैं, पूरी दुनिया से अलग, सिर्फ अपनी बांसुरी के राग में, राधा के प्यार में। तो ये सारी चीजें कैसे, ये आइडिया कैसे उतरते हैं दिमाग में, दिमाग से कैनवस तक कैसे आ रहे? सर ये बहुत सोचना पड़ता है, क्योंकि ये पेंटिंग की मैं कॉपी नहीं करता, एक ही पेंटिंग एक ही बार बनाई जाती है, तो बहुत रिसर्च करनी पड़ती है, बहुत सोच कर कलर कॉम्बिनेशन कैसा होना चाहिए, भाव कैसे होने चाहिए, तब जाके एक एक जैसे कि नग गढ़ा जाता है, एक एक हीरा तराशा जाता है, उसी तरह से एक पेंटिंग बनानी पड़ती है। आपके दिल में ऐसा ही कान्हा बसते हैं जैसी छवि उतरती है, आपके दिल में कुछ और है जिसको आप उतार नहीं सच बात तो ये है संजय जी कि 24 घंटे दिमाग में एक ही बात घूमती है कि अगली पेंटिंग खूबसूरत कैसे बनाई जाए, कैसे कृष्ण को बनाया जाए, क्या रंग किया जाए उसमें, क्या स्वरूप दिखाया जाए, तो उसके लिए ईश्वर ही प्रेरणा देते हैं, मेरा मानना तो ये। इसमें हमने देखा है कि अलग अलग मॉडर्न आर्ट की तरह भी है, सर क्या हुआ, पारंपरिक पेंटिंग तो बहुत वर्षों से बन रही है, लेकिन आज के माहौल के हिसाब से, क्योंकि लोगों के विचार बदल गए, लोगों के घर के अपने डेकोरेशन बदल गए, तो हमने भी कृष्ण को थोड़ा सा कॉन्टेम्प्रेरी किया, लेकिन कृष्ण के जो भाव थे उसको नहीं छेड़ा हमने, भाव हमने पारंपरिक ही रखे हैं, कलर कॉम्बिनेशन चेंज किया है। अच्छा, जैसे इधर सुनहरे सुनहरी राधिका है और इधर नीला अंबुज श्यामल कोमल। अब इनके नेत्रों को देखिए, जैसे कि बात करेंगे आपसे, हाँ। ये बात है, ये बिना इसी कृपा के संभव नहीं है, ये मनुष्य के वश की बात नहीं है, ये इन्हीं के प्रेरणा से, इन्हीं के हाथ मेरे हो सकते हैं, लेकिन बनाने वाला यही है। क्या बात है, कहीं आंखें बोलती हैं, कहीं आंखें बंद हैं, बांसुरी बोलती है। अब ये देखिए कितना कलर कॉम्बिनेशन सुंदर है, केसरिया रंग के साथ में, चंदन के रंग के साथ में, और ये ब्राउन कलर के साथ में बनाया है मैंने, तो इसके लिए बहुत रिसर्च करनी पड़ी, बहुत सोचना पड़ा। और ये भी कृष्ण के नटखट रूप, हाँ ये कृष्ण के नटखट रूप को बताता है,
कि वो चंचलता जो है ना वो आंखों में दिखनी चाहिए, वो मैंने कोशिश की और भगवान की कृपा से वो आ गई है। वो चंचलता जो आंखों में होनी चाहिए ना कि क्या देख रहे हो, कुछ बोल पड़ेंगे, कुछ डांट देंगे, क्यों इतने घूर के देख रहे हो। अब कृष्ण कन्हाई जी ने इतनी सारी चीजें बताई, हमें और गहराई में जाना पड़ेगा और गहरी पेंटिंग देखने के लिए, तो आइए चलते हैं कुछ और गहरे की तरफ। गहराई में आए तो प्यार की गहराई दिखाई पड़ती है, समर्पण की गहराई दिखाई पड़ती है, और दिखाई पड़ता है भक्ति का भाव। यहाँ कृष्ण हरे हैं, तो कृष्ण तो ऐसे कहते हैं कि भाई नीले मेघ के समान है। ऐसा था कि हम ब्रज के कवियों को पढ़ रहे थे, तो हमने एक बिहारी कवि का दोहा पढ़ा, मेरी भव वाधा हरो राधा नागर सोए, जा तन की झाई पड़े श्याम हरित द्रुत होए। तो कृष्ण की जो राधा जो पीली थी वो नीले पे जो छाया पड़ी तो वो कृष्ण हरे हो गए, तो उसके आधार पर हमने ये हरा रंग लिया है। और इनकी आंखों में रस देखिए आप, ऐसा लगे रस टपक रहा है, वो कितने एक दूसरे में खोए हुए हैं। वो चमक जो होनी चाहिए ना प्रेम को पाकर, प्यार को पाकर, या प्रेम को देखकर, वो चमक लाने की कोशिश करी है मैंने, और कितना सफल हो ये आप बताएंगे। बिल्कुल, और इसके साथ ही यहाँ कान्हा के अलग अलग रूप दिखाई पड़ते हैं। ये बिल्कुल मोर पंख के पीछे से झांकती है ऐसी आंखें, और यहाँ लगता है कि ऐसी मदालस आंखें जिनमें छेड़छाड़ के साथ साथ प्यार भी छिपा है, उस प्रेम को प्रकट करती राधा कृष्ण की आंखें। और इसके साथ ही अलग अलग जगह अलग अलग भाव हैं, अलग अलग इनके रंग रूप हैं, जिनमें जहाँ भी निगाह जाए। माई री श्याम 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 रटत श्याम। इस चित्र के बारे में एक बात सोच सकते हैं, वो एक जसराज जी का एक भजन है बहुत सुंदर ब्रज का, मृग नैनी को यार नवल रसी है मृग नैनी, तो आप देखिए तो मृग नैनी जो राधा है उसका जो यार है वो भी मृग नैनी है, उस आधार पर मैंने इनकी आंखों को बनाने का। क्या बात है, और ये इतने बड़े लड्डू गोपाल जी और इतने बाल सुलभ चंचलता के साथ साथ, इसमें भी आप लोगों ने आपने इसमें शुद्ध सोने का काम किया है। मैंने मुझे लगा कि लड्डू गोपाल जी बनाए जाएं जो बड़े साइज के विशाल स्वरूप लगे उनको, क्योंकि ये तो विशाल थे, अनंत थे, भगवान कृष्ण के बारे में क्या कहा जाए, इनकी लीला इनकी चरित्र को कोई समझ ही नहीं सकता। कहावत है ना कि सारे वृक्षों को कलम बना ली जाए, समुद्र को जो है स्याही बना ली जाए, फिर भी इनके चरित्र का वर्णन नहीं किया जा सकता। जब कृष्ण कन्हाई को अपने कैनवास पर उकेरते हैं तो भाव ऐसे ही आते हैं, अपने आप चले आते हैं, क्योंकि हमारे गुरुजी पंडित जसराज जी का भी कहना है कि संगीत आत्मा से होना चाहिए तो उसका असर होता है। और जब ये रंग भी आत्मा के साथ कैनवस पर उतरे तो अपने आप कन्हाई उतरते हैं, अपने आप कृष्ण कन्हाई उतरते हैं। कैमरामैन मदन प्रसाद और मदन गोपाल शर्मा के साथ संजय शर्मा।